डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है। फिर मेरा घर बनाए पुलिस बलून है। अच्छा जी, मेरा चलो आप तो दब भी गए, कैसे आऊंगी मैं पिट्ठी में? पिट्ठी में कैसे आऊंगी, आप तो दब भी गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो अभी मैं हो गई हूँ रेडी। आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हमारे यहाँ पे जैसे किसी की मैरिज होने वाली होती है, जो न्यू ब्राइड होती है, वो शादी से एक दो दिन पहले मंदिर जाती है देवता जी के दर्शन करने। तो मैं और दी जा रहे हैं आज मंदिर, क्योंकि सबको पता है दी की शादी है एक दिन के बाद। तो मैं ही फ्री थी, भाई घर पे था नहीं और निपी भी अभी घर पे नहीं थे। तो बड़े पापा ने बोला कि तू और शीतल चले जाओ। तो अभी हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग भी बना देती हूँ और आप लोगों को अपना मंदिर भी दिखा देती हूँ। हमारा मंदिर यहाँ से थोड़ा दूर है, मैं रहती हूँ दूसरे गाँव में और जो मंदिर है वो दूसरे गाँव में। एक मंदिर दी मेरे साथ चले जाएंगे और जो दूसरा मंदिर है वो काफ़ी दूर है मानन, वहाँ पे कल उसको उनको काका लेके जाएगा, क्योंकि वह पैदल जाना बहुत टफ है, बहुत दूर है। तो वहाँ पे गाड़ी में चल जाएंगे। जो ये वाला मंदिर है ये थोड़ा नज़दीक है, तो यहाँ हम लोग पैदल चलते हैं। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अब दी का वेट कर रही हूँ। दी को कॉल की थी मैंने अभी, वो बोल रहे थे कि बस कपड़े चेंज कर रही हूँ तो मैं पर ही चल जाती हूँ। उनका लोअर भी मेरे पास था, लोअर भी दे देती हूँ और उनको वहीं से उठा भी लेती हूँ कि चलो जल्दी चलते हैं। क्या पता शायद डुग्गू भी हमारे साथ आ रहा होगा, बड़े मामा बोल रहे थे कि डुग्गू को भी ले जाओ। चलो देखते हैं जैसा भी होगा। पहले मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ। ये दी का लोअर है और ये मेरे घर का व्यू है। थोड़ा सा ये सामने शिलारू, शादी की तैयारी शुरू हो गई है, डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है। दीदू दीदी हो गए तैयार। यहाँ पे दी हो चुकी है रेडी। अंजुली इनको रेडी किया, थोड़ा बहुत मेकअप किया। ये धाटू पहन रहे क्योंकि मंदिर हम लोग यहाँ पे धाटू पहन के जाते हैं, और मैंने भी पहना है, अंजलि भी पहनेगी। अंजलि पहनेगी शायद, है ना? पहन ही लेगी। और बड़ी मम्मी का ऑर्डर आया है कि हम लोग वहाँ पे पिक्चर्स भी ले ले थोड़ी बहुत ही, इसलिए दी बहुत अच्छे से रेडी हुए हैं, मतलब अच्छे से कपड़े पहने उन्होंने। वो फोटोज़ हम एल्बम में डालेंगे, क्योंकि कैमरामैन तो अभी आया नहीं है, तो हम फ़ोन से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेंगे और उसको फिर एल्बम में डाल देंगे। कल हम बहुत सारी फ़ोटोज़ भी लेंगे, है ना? ले ही नहीं। ऐसे सोच रही हूँ मैं। कल तो आपका मेकअप हमारे को ही करना पड़ेगा। और क्या सोच रही है तू? क्या पहनेंगे कल? और हेलो गाइज कर ले। हेलो गाइज, और आगे कमेंट्री पास कर दे फिर। कमेंट मैं करिए उसको पीछे पीछे शार। और एक लोग चले गए। नमस्ते जी। और शार्विन गुड मॉर्निंग कर दे। गुड मॉर्निंग। आजा आजा आजा। और ये है हमारा गांव छोटू सा। वैसे भी आधे से ज़्यादा लोग इस गांव में नहीं रहते, इधर आधे ऊपर बसे हुए हैं, कोई इधर कोई उधर, कोई इससे भी ज़्यादा ऊपर। ये शार्विन किसकी पिटाई करनी है आपको? उल्लू की। किसकी? उल्लू पापा की घर की करनी पिटाई। क्यों? इतना गंदा अबू पापा का घर तोड़ देता। किसने तोड़ा अबू पापा का घर? मिस्त्री ने तोड़ा अबू पापा का घर। आपने पिटी नहीं की फिर उनकी? मैंने पुलिस वाले को बुलाया, जल्दी आ जाओ पुलिस वाले पकड़ो ये चोर को पुलिस वाले। अच्छा जी, फिर मेरा घर बनाया पुलिस वालों ने। अच्छा जी, मेरा फिर आरबू पापा को कहाँ रखा आपने?
घर में किसके? आपने देखा था कि ये घर में रखा मैंने अलबू दादी के अलबू को। अच्छा जी, शिमू आ रहा है आपको? शार्विन स्वेटर में मत लगाना बेटू, है ना। अभी हम लोग घर से निकल गए, थोड़ा इधर पहुंच गए दूसरे गांव में। बहुत ज़्यादा थक गए यार, बीच में शार्विन को पीठ में उठाना पड़ा और उसके बाद मैं थक गई, फिर मैंने उसको अंजलि के पास दे दिया। अब अंजलि ने उसको गोद में उठाया थोड़ी देर के लिए, और हमें ना एक चीज़ मिली यहाँ पे जो मुझे नहीं पता था, दी ने मुझे बताया। जो फ्लावर्स होते हैं ना, पर्पल से है आई थिंक, हाँ जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये ना मतलब अगर आपको गर्मी हो जाए तो आप इसको पानी में भिगो के रख सकते हो और उसमें मिश्री डाल सकते हो और उसे पी लेना, इससे ना गर्मी निकल जाती है। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे खुद आज पहली बार पता चला है ऐसा भी कुछ होता है। अभी हम जब वापस आएंगे तो इसे ले जाएंगे क्योंकि हम सब बीमार हैं, किसी को कोल्ड हो के रखा है गर्मी की वजह से आई थिंक। थक गए यार, एक छोटे बच्चे को कैरी करना मतलब ऐसे नॉर्मली कैरी करना बहुत ईजी सा है, अगर कहीं उठा के ले जाना हो ना दूर तब पता चलता है भले ही वो हल्का सा क्यों ना हो। और यहाँ से देखो सामने का व्यू बहुत ही क्लियर दिखता है क्योंकि सामने कोई पेड़ पौधे नहीं है। ये दूसरे वाला गांव है हमारे गांव से इधर वाला, चलो चलो। और ये शार्विन जी है, मजे लगी इसके, कभी कोई उठा रहा है कभी कोई उठा रहा है, बच्चे की वैसे होती बड़ी मजे। पहले हम लोग ना बहुत इजीली आ जाते थे यहाँ पे, क्या बोलते राउ के लिए फटाफट से आ जाते थे फटाफट, अब मतलब चलना इतना मुश्किल है। मैं तो सोच रही थी गाड़ी मिल जाती तो गाड़ी में आते। उधर कहाँ जा रही है? और आपको एक चीज दिखाती हूँ, जो ये है ना ये जगह, ये हमारा शमशान घाट है, मतलब यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, वहाँ जा नहीं सकते हम लोग तो डर लगता है भाई। और ये सामने है पहाड़, पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। और आप लोगों को पता है जो वो जंगल है ना, वहाँ से ना मैं अपने नानू के घर पैदल गई हूँ कई बार जब हम छोटे होते थे, तो वहाँ 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 इधर 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 पता नहीं कहाँ कहाँ होके जाते थे हम लोग पैदल। मेरे को भी लगी है प्यास, तो भाई सारा पानी पी गया, मेरे लिए नहीं रखा, तूने पीना है। यहाँ पे देखो लोग गोबर डाल रहे बगीचों में, कितना टफ होता है यार बगीचों को रेडी करना, फिर सेब लगते हैं, अगर ना मेहनत करो फिर कुछ नहीं लगता। खाद गोबर, फाइनली हम लोग पहुंच गए मंदिर के पास। हेलो त्रिशु, कालू चल 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 परे चल, ये देखो हमारा मंदिर। यहाँ से होती है एंट्री और एग्जिट भी इधर से ही है। यही रहो खड़े, यही कबूतर है इसमें रहते हैं, इसमें ना ये कबूतर इसी में ही रहते हैं मंदिर के अंदर ही। हमारे पास छोटी चिड़िया भी है बहुत सारी, बहुत प्यारी आवाज आती है जब हवा चलती है ना, शर्र करके आवाज आती है, इतनी प्यारी सी आवाज आती है ना, जब बहुत तेज हवा हो सारे बजते हैं ना एक साथ, जो झूमर से दिख रहे हैं ना आपको, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और ये मंदिर के पीछे थोड़ा छोटा सा तो नहीं ठीक सा ग्राउंड है, यहाँ पे जब कोई फंक्शन होते हैं तो यहाँ पे लोग डांस करते हैं या जो भी जैसे डांस करना कुछ भी हो यहाँ पे करते हैं यहाँ पर। और ये स्टेयर्स यहाँ पे लोग देखते हैं बैठ के देखते हैं सॉरी। और ये छोटू सा मंदिर थोड़ा ऊपर है, ये भी
मंदिर ही है, और ये जो सामने आपको दिख रही है ये सोसाइटी है। यहाँ बस यहाँ से हम लोग राशन ले जाते हैं, जो सोसाइटी का राशन होता है यहाँ से। और ये छोटा मंदिर, और यहाँ पे हो रहा है दी का शूट, फोटो शूट। ले ली पिक्चर यार, इस नमूने की भी ले लो कोई। शरी तो लाओ, टोपी भी लाओ। शार्विन क्या हो रहा है बेटा? ये मैंने नहीं पहनी, बुई के पास दे दे परे जा, छोड़ो इसको, आ फोटो ले लो जाके जाओ। अब हम लोग वापस आ गए घर के लिए, और बस घर पहुंचने ही वाले हैं। शार्विन आ जाओ, मैं पिट्ठी में आ जाऊं पक्का? लो चलो, अब तो दब भी गए, कैसे आऊंगी मैं पिट्ठी में, पिट्ठी में कैसे आऊंगी, आप तो दब भी गए, कैसे आऊंगी। थैंक यू डुगू। बस बस आप थक गए होंगे ना शार्विन? शार्विन यार बहुत ही ड्रामेबाज है, इसको ना हम पीठ में ही उठा के लेके आए, कभी कोई कभी कोई। थक गए यार बहुत ज्यादा। सो गाइस, फाइनली हम लोग थोड़ी देर पहले घर पहुंच गए थे, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली उस टाइम तो इतना ज़्यादा थक गई थी ना, एक तो शार्विन को उठा के लाया, ऊपर से इतनी ज़्यादा धूप लगी थी, इतनी ज़्यादा ना, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर मैंने खाना खाया, खाना ही मैंने जबकि बड़े पापा के घर पे ही खाया, खाना खाया मैंने वैसे ही, मैं अपने घर आई और फिर मैं उसके बाद सो गई। पीछे आपको बिस्तर भी दिख रहा होगा, ऐसे ही खलारा पा के रखा है मैंने। फिर उसके बाद थे प्रेस करने को कपड़े, कल जो मैरिज में पहनने वो कपड़े भी प्रेस करने को है, और आधे कपड़े मेरे न्यू घर पे वो भी प्रेस करने को, वो तो अभी तक प्रेस किए भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि यार उठ ही जाए शीतल, तेरे को ही करना है और कोई तो करने वाला है नहीं। तो फिर मैं उठी, फिर मैंने अभी फिलहाल पहले अपने कपड़े प्रेस किए, अब मम्मा के कपड़े प्रेस करने को। अब मैं जल्दी जल्दी से मम्मी के कपड़े प्रेस करती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ परे जाऊँ अपने न्यू घर, वहाँ पे हमारे पेटी कोट रखे हैं मेरे रंजली के, वो भी प्रेस करने को है। पर यार बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है, पता नहीं कैसा मौसम है, कल सुबह दिन को इतनी ज़्यादा धूप लगी थी, इतनी ज़्यादा धूप लगी थी, और अब एकदम से मौसम ख़राब हो गया, बहुत ही गंदा हो गया मौसम, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, ओले भी गिर रहे थे अभी तक तो थोड़े थोड़े, अब पता नहीं रुक जाता है। अब ये टेंशन है, अगर यार कल भी बारिश हुई ना तो पता नहीं सब कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि यार फिर खाना पीना चलना ऊपर नीचे जाना फिर बहुत टफ हो जाता है बारिश में, जितना साफ मौसम में मज़ा आता है ना। फिर वैसे भी डीजे भी नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे एक्चुअली डेथ हुई है अभी कुछ दिन पहले, तो इस वजह से डीजे नहीं है, नॉर्मल सी शादी है, बस कुछ लोग वहाँ से आएंगे, फिर दुल्हन यहाँ वहाँ जाएगी। मैं रिकॉर्ड तो करूँगी जितना मुझसे होगा, मैं आपको दिखाऊँगी, बट मैरिज बिल्कुल सिंपल होगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे मैरिज में होता है ना डीजे डांस, हम लोग तो शायद, हम लोग शायद क्या, हम लोग कन्फर्म है कि डांस नहीं कर पाते हैं, पाएंगे क्योंकि घर पे डेथ हुई है यार, तो नॉर्मल सा होगा सब कुछ। मेहंदी तो लगेगी, मेहंदी लगेगी, मेकअप होगा, विदाई होगी, ये सब कुछ होगा, पर डीजे नहीं होगा, डांस नहीं होगा। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। सो अभी फ़िलहाल मैं प्रेस कर लेती हूँ, और फिर देखती हूँ आगे क्या क्या करना है, खुद का भी थोड़ा करना है, फेस का, यार कल मैरिज है थोड़ा तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो खुद भी थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ, कपड़ों का भी कर लेती हूँ। और ये देखो मैक्स कहाँ पर लेटा है, ये मेरा सिलाई का रूम है, तो यहाँ पे मैंने बेड भी लगाया है, ये भी मेरा मैक्स है। मैक्स अभी थोड़ी देर पहले आया, ये बाहर था, अगर मम्मा आएगी ना तो धोएगी दोनों को, क्योंकि मम्मा नहीं देती इसको अंदर आने, बहुत गंदा करके जाता है ये अंदर से, पर मैंने तो अंदर रखा होता है, पर दिन को ना जैसे बारिश हो रही है पहले भीगेगा भीगेगा फिर डायरेक्ट रूम पे आएगा, सब कुछ गंदा कर देता है, मम्मा डांटती है, दोनों को डांटती है, पर चलो कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं इसके लिए बेचारे के लिए। और मैं फटाफट से अपना काम कंप्लीट कर देती हूँ, तो आज का व्लॉग इतना ही था, क्योंकि अब कुछ करने को है नहीं, जो करना मुझे थोड़ा बहुत है, क्या पता कुछ करूँ ना करूँ, इसीलिए आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।